अरे चड्डी 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 क्या है चड्डी? आज नाना पाटेकर चड्डी बेचने के लिए आया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं खरीदेंगे चड्डी। अरे क्या है ये चड्डी? कलम अली भाई के लिए चड्डी खरीदने आया था, लेकिन क्या करो, बहुत ही महंगा चड्डी है। इसके बाद में चड्डी बेचने के लिए हमारे चड्डी चड्डी एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगे डिजाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, हर कलर डिजाइन साइजर फ्लेवर की चड्डी, अंडरवियर की चड्डी, कॉमन मैन से लेकर सुपर मैन तक सभी के लिए मिलेगी। हर शेप में नीली काली पीली सतरंगी चितकबरी वाली चड्डी, रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, प्लास्टिक वाली प्लास्टिक वाली नाड़े वाली बिना नाड़े वाली, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल छोटा बिन डोरी वन छाप चड्डी, बड़ों के लिए टाइगर प्रिंट चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी हड्डी लेकिन नहीं फटेगी चड्डी। आई पलट तेरा ध्यान किधर है चड्डी वाला, इधर है। मात्र 40 रुपये में चड्डी कंपनी का प्रचार, पब्लिक का मुनाफा दे रहे हो। ये 10 रुपये की चड्डी भैया, 5 रुपए नहीं लगेगा। अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा भत्ती बुझा के सो जान, टकले भंटकले मंटे पे खड़े रहती, बार बार बजे ले घंटे, कुल्ला पश्चिम की तरह के पड़े, बहुत हो गया उठले फूटले, ज्यादा साना बंद कर चमचे अंदर छोड़ गया। अबे वो सड़े हुए टमाटर के फफूंदी वाली चटनी, बासी कड़ी के बास मारते बेसन, जमाने के बिगड़े हुए फैशन, जले हुए आलू की काला कीड़े पड़े हुए पालक, फिटकर की फिटकार और धुतकार, देख मैं कैसी खट पर करता हूं तेरी खाट और कसर करता हूं तेरी वाट, सड़े हुए अंडे के डबल और फ्राई, गुनाम सर्कल रेती मार, गिले पापड़ की पैदावार, टकले की ताल खरबूजे की खाल, बिन पत्ते की डाल, मारूंगा तेरे कान के नीचे, आवाज है तेरे नाक के नीचे, बदबूदार थैले मैले कुचले फटे हुए थैले, तेरी मजाल जो तुम साथ खेले, अबे जा किसी की जरूरत नहीं मुझे, हर जब मैंने अपने दिल में रहने वालों का जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों का परवाह मैं क्या करूंगा। मिथुन की आवाज है। और अम्मा कसम, ये चड्डी पहनने का, ये ले जाने का, ये बच्चों के लिए बहुत स्पेशल चड्डी है, समझो क्या? अरे भाई मेरे मन को भाया, मैं दुकान खोलने आया भाई, दुकान खोलने के बाद मेरे को बहुत मजा आया, यहाँ एक से एक लोग आते हैं चड्डी लेने भंडी लेने। अरे ये देखे भाई, ये लोअर पहनिए, फौजी वाला रोल है जिसको पहनने के बाद आपको आर्मी वाली फीलिंग। अरे क्या, अपना नाम शंकर दादा है और आज चड्डी बेचने का हमें मौका इसलिए मिला है क्योंकि लॉकडाउन में फिल्म नहीं बनती, इसलिए आज मैं दुकान में चड्डी बेचने के लिए आया हूँ। ये देखो, अपने रामू के लड़के के लिए चड्डी लेकर जाऊंगा। और दूसरी बात यार, ये बस वाले बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आवाज चूपू आती है तो मिथुन की आवाज पता नहीं चलता। अरे समझा क्या? इसके बाद में धर्मेंद्र साहब आ जाते हैं। रानी माँ, पहचानते हैं आप इस दुकान को अपने धर्म सिंह के लिए, जो धर्मवीर में मैंने कच्चा पहन रखा था वो इनके दुकान से लेकर गया था। और जज साहब, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर कर देना। उसके बाद में भोजपुरी के एक्टर भी आ जाते हैं। अरे अरे नमस्कार हो बाबू, अरे प्रणाम हो भैया। अरे बाबू, अगर ये आप चड्डी खरीद लेंगे तो कसम से बता रहे बाबू, एकदम अद्भुत चड्डी है, चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी हड्डी लेकिन बाबू ये फटेगी नहीं चड्डी। उसके बाद में राजकुमार आ जाते हैं। गैंडा स्वामी, हम तुम्हें वो मौत मारेंगे कि तुम कांप जाओगे, हम चड्डी भी तुम्हें देंगे, हम तुम्हें लोबर भी देंगे, हम तुम्हें टी शर्ट भी देंगे, लेकिन तुम्हें अब पैसा देना होगा, समझे या नहीं? अरे भाई तुम भी कुछ बोलोगे या ऐसे ही कर दो यार। अरे बाबूजी, जो आपने मुझे थप्पड़ मारी है ना, वो यहाँ नहीं यहाँ लगा है, और जो आपने चड्डी खरीदी है ना, वो नंबर एक का चड्डी है, अगर आप उसे लेकर जाएंगे अपने बच्चे को पहनाएंगे तो बच्चा भी कहेगा आई लव यू पापा। अरे देवर देवा, मैं आज अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए चड्डी खरीदने के लिए आया है। मैं जॉनी 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 लीवर अपने छोटे वाले बेटे राजू के लिए पीली चड्डी लेकर जाऊंगा, अपने उससे छोटे वाले बच्चे के लिए नीली चड्डी लेकर जाऊंगा, और अपने छोटे वाला बेटा श्याम के लिए मैं उससे बड़ी वाली चड्डी लेकर जाऊंगा। अगर इसी चड्डी को बेचने के लिए लालू प्रसाद यादव आ जाए तो गजब हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव बिहार से चलकर आए हैं। पगड़ा लोग बात करता है, डट और बात, भाइयों बहनों, लालू प्रसाद यादव को चड्डी नहीं चाहिए, लालू प्रसाद यादव तो कुर्ता पहनता है, और तुम्हारे दुकान में कुर्ता नहीं है तो लालू प्रसाद यादव लखनऊ से मकमली कुर्ता लाएगा। डट बुड़बक लोग, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना। इसके बाद में हमारे शाहरुख खान साहब चड्डी खरीदने आ जाते हैं हंसकर। अरे यार
अगर आपको ऐसा लगता है कि एक चड्डी बेचने वाले के अंदर टैलेंट नहीं है तो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि चड्डी बेचने वालों का भी यार टैलेंट होता है। हम लोग दिन में लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर चड्डी बेचते हैं। आज आज मैं अपने बेटे आर्यन के लिए चड्डी लेकर जाऊंगा। अंजलि प्लीज से चड्डी खरीद लो ना, अगर आप ये चड्डी खरीद लोगी तो मेरा फायदा हो जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा। इसके बाद में आ जाते हैं हमारे अखिलेश यादव साहब। देखिए भाई, मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको विकास लेना है तो देखिए ये हमारा दोस्त विकास है, आप अगर इसको लेकर जाएंगे तो ये एक और विकास देगा, फिर वो एक और विकास देगा, ऐसे में आपका बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा और हमारी सरकार आई तो हम भी विकास आपको देंगे। इसके बाद में हमारे आ जाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब। अबे खैराती खरबूजे, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो नीली से पीली चड्डी बन जाए उसको सरताज कहते हैं। अब एक सबरगंज समझे या नहीं आदमी? अरे मेरा नाम सुरमा भोपाली ये से ही नहीं है, अरे जे और बीरू को मैं पकड़ के लेके आऊंगा दाबर चिके, अरे कैमरे वाले तेरे हाथ को फालिस मारे तू आगे क्यों नहीं आता है खंबा उखाड़ के। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर, हाय वैन ट्यू